हमारे बीच में है। हाल में ही एनडीए के गठन के 25 साल पूरे हुए हैं। ये 25 वर्ष देश की प्रगति को गति देने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के रहे हैं, यानी राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास। इस मंत्र को एनडीए ने निरंतर सशक्त किया है। इस यात्रा में जो पुराने साथी रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। भविष्य की यात्रा के लिए जो नए साथी आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, एनडीए के 25 वर्षों की इस यात्रा के साथ एक और सुखद संयोग जुड़ा है। ये वो समय है जब हमारा देश आने वाले 25 वर्षों में एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहा है। ये लक्ष्य विकसित भारत का है, आत्मनिर्भर भारत का है। कोटि कोटि भारतीय आज नए संकल्पों की ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी सभी का विश्वास एनडीए पर है। हमारे जो समाज शास्त्री हैं, राजनीति शास्त्री हैं और अर्थशास्त्री हैं, वो भी भारत के विकास के लिए एनडीए को एक पॉजिटिव फोर्स के रूप में देख रहे हैं। हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है, भावना पॉजिटिव है और हमारा रास्ता भी पॉजिटिव है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन देश सबके प्रयास से चलता है। इसलिए आज जब हम विकसित भारत के निर्माण में जुटे हैं, तब एनडीए सबका प्रयास की इस भावना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। साथियों, हमारे देश में राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने, वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस ने 90 के दशक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने सरकारें बनाई, सरकारें बिगाड़ी। इसी दौर में 1998 में एनडीए का गठन हुआ था। लेकिन एनडीए क्यों बना? क्या तब सिर्फ सरकार बनाना या सत्ता हासिल करना ही एनडीए का लक्ष्य था? आप भी जानते हैं ऐसा नहीं था। एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था। एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था,
बल्कि एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। और जब देश में स्थिर सरकार होती है तो देश वो फैसले करता है जो कालजयी होते हैं, देश की दिशा बदलने वाले होते हैं। ये हमने अटल जी के कार्यकाल के दौरान भी देखा और ये पिछले 9 वर्षों में भी हम बार बार देख रहे हैं। भारत में स्थिर और मजबूत सरकार होने से आज पूरे विश्व का भारत पर भरोसा बढ़ा है। साथियों, एनडीए की एक और विशेषता रही है, जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने हमेशा सकारात्मक राजनीति की, हमने कभी नकारात्मक राजनीति का रास्ता नहीं चुना। हमने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना हर दायित्व निभाया। हमने विपक्ष में रहकर सरकारों का विरोध किया, उनके घोटालों को सामने लाए, लेकिन कभी जनादेश का अपमान नहीं किया। हमने सरकारों का विरोध करने के लिए कभी भी विदेशी मदद नहीं मांगी। हम विपक्ष में रहे लेकिन हमने देश के विकास में न रोड़े अटकाए और न ही रुकावट बने। आजकल हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं को विपक्ष की कई राज्य सरकारें अपने यहां लागू नहीं होने देती। अगर ये योजनाएं लागू होती भी हैं तो उन्हें रफ्तार नहीं पकड़ने दी जाती। ये लोग सोचते हैं कि अगर उनके राज्यों में गरीबों को केंद्र की योजना का लाभ मिल गया तो कैसे काम चलेगा, उनकी राजनीति कैसे चलेगी। मुझे याद है, गरीबों के घर के लिए, हर घर जल के लिए, आयुष्मान भारत योजना के लिए कितनी ही बार विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को मुझे चिट्ठियां लिखनी पड़ती है, लेकिन ये लोग गरीब के कल्याण को भी राजनीतिक नफा नुकसान से ही तोलते रहे। साथियों, जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। 2014 से पहले की गठबंधन सरकार का उदाहरण हमारे सामने है। तमाम उठा पटक के बीच वो गठबंधन सरकार किसी तरह अपने 10 साल खींच पाई, लेकिन देश को क्या मिला? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी एक आला कमान, पॉलिसी पैरालिसिस, निर्णय लेने में अक्षमता, भांति भांति के पावर सेंटर्स, अव्यवस्था और अविश्वास, खींचतान और करप्शन, लाखों करोड़ों के घोटाले। आपको याद होगा, जब भी पिछली सरकार के कुशासन पर सवाल उठते थे तो गठबंधन की मजबूरियां गिनाई जाती थी, बहाना एक ही, गठबंधन के कारण। क्रेडिट लेने के लिए तो हर कोई आगे आता था, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ होती थी तुरंत अपने सहयोगियों पर दोष मढ़ दिया जाता था। हम सौभाग्यशाली हैं
कि एनडीए की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है, अलग है। हमारे लिए गठबंधन मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का माध्यम है। एनडीए कोएलिशन कंपल्शंस का नहीं बल्कि कोएलिशन कॉन्ट्रीब्यूशंस का प्रतीक है। क्रेडिट भी सबका है, दायित्व भी सबका है। एनडीए में कोई भी राजनीतिक दल बड़ा और कोई भी राजनीतिक दल छोटा नहीं है। हम सभी एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा है 2014 हो या फिर 2019, भाजपा को बहुमत से अधिक सीटें मिली, लेकिन सरकार एनडीए की ही रही, एनडीए की भागीदारी बनी रही। साथियों, एनडीए के गठन से लेकर ही हमारा संकल्प समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का रहा है, जो वंचित है, जो शोषित है, उसको सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। आज देश की जनता देख रही है कि एनडीए में कौन कौन से दल है। एनडीए में जितने भी दल है वे समाज के ऐसे वर्गों के बीच काम करते हैं जो वंचित रहे हैं, शोषित रहे हैं। हमारे समूह में गांव, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बीच काम करने वाले ये सारे नेता यहां हैं। एनडीए में जो दल है वो ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जिनकी पहले दिल्ली में सुनवाई तक नहीं होती थी। एनडीए एक प्रकार से क्षेत्रीय आकांक्षाओं का बहुत ही खूबसूरत इंद्रधनुष है। एनडीए देश के लिए, देश के लोगों के लिए समर्पित है। एनडीए की विचारधारा है नेशन फर्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ नेशन फर्स्ट। एनडीए की विचारधारा है प्रोग्रेस फर्स्ट। एनडीए की विचारधारा है एम्पावरमेंट ऑफ पीपल फर्स्ट। साथियों, आपको याद होगा एनडीए की बैठक में हमने संकल्प लिया था कि हम देश की गरीबी को गरीबों की ताकत से ही गरीबी को परास्त करेंगे। इसलिए इन वर्षों में हमारा सबसे ज्यादा जोर गरीबों को सशक्त करने पर रहा। हमने श्रमयोगी को सम्मान दिया, डिग्निटी ऑफ लेबर पर बल दिया। हमने गरीब को सुरक्षा का एहसास दिया। हमने गरीब को यह विश्वास दिया कि आपके हर प्रयास के पीछे एनडीए सरकार एक भरोसेमंद साथी की तरह आपके साथ खड़ी है। जैसे किसान को अगर सही बीज और खाद पानी मिल जाए तो वो पैदावार का रिकॉर्ड बना देता है, वैसे ही हमने गरीबों को सशक्त करने के लिए उन्हें हर संभव मदद की। इसका परिणाम क्या आया? अभी नीति आयोग की सबसे ताजा स्टडी आई है, आप में से कुछ मित्रों ने उसका उल्लेख भी किया। इस स्टडी के मुताबिक 2015-16 के बाद के 5 वर्षों में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। इसके पूर्व वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के समय सामने आया कि कैसे बहुत कम समय में ही 40-42 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया है।
आईएमएफ के मुताबिक एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अति गरीबी भी भारत में खत्म होने की कगार पर है, ये आईएमएफ का रिपोर्ट कह रही है। साथियों, यहां एनडीए के आप सभी साथी तो जमीन से जुड़े लोग हैं। आप देखिए, जब किसी गरीब को पक्का घर मिलता है तो ये सिर्फ एक छत की जरूरत पूरा नहीं करता, बल्कि ये उस परिवार को सुरक्षा कवच देता है, उसके सपनों को पंख देता है। जब गरीबों को बैंक लोन देने के लिए सरकार अपनी तरफ से गारंटी देती है, तब उनको एक साथी मिलता है, एक सहारा मिलता है। और ऐसे में प्रगति के लिए, तरक्की के लिए उनके प्रयास दोगुने हो जाते हैं। जब गरीब को हम मुफ्त इलाज का भरोसा देते हैं तो उससे एक परिवार ही नहीं बल्कि उसके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि पहले जब गरीब परिवार में बीमारी आती थी तो उसके पास दो ही विकल्प होते थे, या तो अपनी आंखों के सामने अपनों को जीवन के लिए संघर्ष करते देखें, या फिर मकान, दुकान, खेत, खलिहान जो भी थोड़ा बहुत पास में हो उसे बेचें या गिरवी रखें। पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब को गरीब रखने के इस कुचक्र को भी एनडीए सरकार की अनेक योजनाओं ने तोड़ दिया है। गांधी जी से लेकर बाबा साहब आंबेडकर और लोहिया जी तक सभी ने जिस सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की अवधारणा की थी, और मैं समझता हूं हम जो कर रहे हैं वो यही सच्चा सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय। एनडीए सरकार ने वोट बैंक की राजनीति को विकासवाद की राजनीति में बदला है। ये एनडीए शासन ही है जिसमें छोटे किसानों, रेहड़ी पटरी फुटपाथ वालों को पहली बार मदद मिल रही है। हमारे विश्वकर्मा साथियों को भी पहली बार ये विश्वास मिला है कि उनके लिए भी कोई सरकारी योजना बन सकती है। साथियों, गरीबी से भारत की इस लड़ाई का एक और पक्ष है। आप सब ये भी जानते हैं कि पहले हमारी माताओं बहनों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने का चलन कम ही था, वे एक प्रकार से घर के, समाज के आर्थिक फैसलों से कटी हुई थी। देश की आधी आबादी और परिवार को चलाने वाली ताकत का जब ये हाल हो तो गरीबी से पार पाना आसान कैसे हो सकता। अब जब बहनों के नाम बैंक अकाउंट खुले, उनके नाम पर घरों की रजिस्ट्री हुई, उनके नाम पर ऋण मिलने लगे तो एक नया सामर्थ्य समाज में पैदा हुआ। मुद्रा योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी बहनें हैं, स्टार्टअप इंडिया की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी बेटियां हैं, जो देश में 9 करोड़ स्वयं सहायता समूह बने हैं उनकी सबसे बड़ी लाभार्थी गांव में रहने वाली दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की बहनें। मैं पिछले दिनों मध्य प्रदेश गया था, एक आदिवासी गांव में गया था, वहां ये स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ। जितने समूह थे उन्होंने कहा अब तो हमारी पहचान है, हम लखपति दीदी हैं, हमारा कारोबार इतना है कि आज हम लखपति बन गए। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है साथियों। एनडीए सरकार ने महिलाओं के कल्याण को, उनकी तकलीफ कम करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जब घर में टॉयलेट बना
तो बहनों को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिला। जब नल से जल आया, गैस का सिलेंडर आया, तो उनकी परेशानी कम हुई, उनके समय की बचत हुई। इस समय को वो अपने परिवार की आय बढ़ाने में उपयोग कर रही है। ये सिर्फ गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास नहीं है, बल्कि वुमेन लेड डेवलपमेंट का रास्ता है जिसे एनडीए सशक्त कर रहा है। आज डिफेंस से लेकर माइनिंग तक हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोल दिया गया है। देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का सौभाग्य एनडीए को मिला है। साथियों, 9 साल में हमने केवल एक लक्ष्य के साथ काम किया है कि हम देशवासियों का, खासकर गरीब और वंचित का जीवन बेहतर बना सके। मैं चाहूंगा कि जो लोग एकेडमिक से जुड़े हैं, गवर्नेंस स्टडीज से जुड़े हैं, वो इस दिशा में रिसर्च करें। किसी भी सरकार का फ्यूचर विजन क्या है, स्केल ऑफ वर्किंग क्या है, स्पीड ऑफ वर्किंग क्या है, उसकी वर्क स्पिरिट क्या है, इसका मूल्यांकन किया जाए। इन सभी पैरामीटर्स पर एनडीए सरकार का काम न केवल असाधारण साबित होगा, बल्कि एक मॉडल के तौर पर उभरेगा। हम केवल आज की जरूरतों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सुरक्षित बना रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे लिए बहुत आसान था कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर हम भी कोई स्मारक बना देते, दिल्ली में कोई ऐसी इमारत अपने नाम पर खड़ी कर देते थे या कोई मूर्ति लगवा देते। लेकिन हम देश के कोने कोने में 1 लाख अमृत सरोवर बना रहे हैं। हमारा स्केल, हमारा स्पीड, हमारी स्पिरिट, और इसकी वजह से हमारे काम का स्कोप ये अभूतपूर्व है। हम विकास भी कर रहे हैं और विरासत को भी सहेज रहे हैं। हम मेक इन इंडिया पर भी बल दे रहे हैं और पर्यावरण की रक्षा भी कर रहे हैं। साथियों, हमारी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और निर्णय ठोस है। एनडीए सरकार ने बीते 9 वर्षों में भ्रष्टाचार के हर रास्ते को बंद करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। पहले सत्ता के गलियारों में जो बिचौलियों घूमते थे, हमने उनको बाहर कर दिया है। हमने टेक्नोलॉजी की मदद से लीकेज की हर संभावनाओं को दूर किया है। जनधन, आधार, मोबाइल, इसकी त्रिशक्ति से हमने करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को गरीबों का हक छीनने से रोका है। आप सोचिए, देश में करीब करीब 10 करोड़ ऐसे फर्जी लाभार्थी थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और जिन्हें सरकारी मदद जा रही थी। ये पैसे मेरे किसी गरीब भाई बहन के थे, किसी आदिवासी के थे, किसी पिछड़े और दलित साथी के थे। ये एनडीए सरकार है जिसने गरीब से हो रही इस लूट को बंद किया है। इन 9 वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 30 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचे। ऐसा करके हमने गरीबों का कम से कम 3 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों में जाने से बचाया है। साथियों, लोकतंत्र में राजनीति अलग अलग विजन को देश के सामने रखने का एक माध्यम होती है, लेकिन
हर विजन का, हर विचारधारा का मकसद एक ही होता है, गुड गवर्नेंस और देशवासियों की सेवा। पॉलिटिक्स में प्रतिस्पर्धा हो सकती है लेकिन शत्रुता नहीं होती। आखिरकार हम एक ही देश के लोग हैं, एक ही समाज का हिस्सा है, लेकिन दुर्भाग्य से आज विपक्ष ने अपनी एक ही पहचान बना ली है, हमें गाली देना, हमें नीचा दिखाना। बावजूद इसके हम एनडीए के सभी साथियों ने हमेशा देश को दलों के हित से ऊपर रखा है। हमने राजनीतिक सौहार्द और शालीनता को बनाए रखने के लिए प्रयास किए हैं। ये एनडीए सरकार ही है जिसने प्रणब दा को भारत रत्न दिया, जो जीवन भर कांग्रेस में रहे थे लेकिन हमें उन्हें ये सम्मान देने में संकोच नहीं किया। ये एनडीए सरकार ही है जिसने मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, गुलाम नबी आजाद, तरुण गोगोई, एमसी जमीर, मुजफ्फर बेग, ऐसे अनेक नेताओं को जो राजनीतिक दृष्टि से हमारे साथ नहीं है, हमारे खिलाफ है, हमने पद्म सम्मान दिया है उन लोगों को। ये नेता भी कभी बीजेपी या एनडीए नहीं थे लेकिन हमने देश सेवा में उनके लंबे योगदान को स्वीकार किया, उसे सराहा, उन्हें सम्मानित किया। लोकतंत्र की ये मूल भावना एनडीए की कार्यशैली में आपको हर जगह दिखेगी। इस समय भारत G20 समिट को होस्ट कर रहा है, इससे जुड़े आयोजन देश के हर राज्य में, हर हिस्से में हो रहे हैं। हमने इन आयोजनों को वेन्यू तय करते समय कभी ये नहीं सोचा कि किस राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार है। कोरोना के समय भी मैंने लगातार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ व्यक्तिगत संवाद किया, मीटिंग की। कौन मुख्यमंत्री किस पार्टी का है ये विचार कभी हमारे बीच नहीं आया। इसी तरह आप उन दिनों को भी याद करिए जब भाषा, लैंग्वेज लोगों को बांटने के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होती थी। लेकिन एनडीए सरकार की सोच देखिए, एनडीए सरकार ने मातृभाषा को बल देना शुरू किया और आज भाषाओं के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से मेरे युवा डॉक्टर और इंजीनियर बने, इसका अवसर देने का जरिया भाषा बन रही है। हमने हमारी विरासत को, धरोहरों को ग्लोबल बनाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। यहां पर कई हमारे साथियों ने इसका उल्लेख किया, आज योग वैश्विक एकता का एक माध्यम बन गया है। आज मिलेट्स एक ग्लोबल ट्रेंड बन रहा है, श्री अन्न की चर्चा हो रही है और इसका लाभ हमारे हर क्षेत्र के छोटे छोटे किसानों को मिल रहा है। हम देश के लोगों को जोड़ते हैं, वो देश के लोगों को तोड़ते हैं। साथियों, विपक्ष के लोग जिस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं वो है देश के सामान्य मानवी की समझदारी को वे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन देश की जनता सब कुछ खुली आंखों से देख भी रही है और समझ भी रही है। जनता देख रही है कि ये पार्टियां क्यों इकट्ठा हो रही है। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है, जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है।
किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। इनकी सच्चाई आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीडीपी के नेता एक दूसरे को कैसी कैसी गालियां देते हैं, आरजेडी और जेडीयू के लोग कैसे कैसे शब्दों से एक दूसरे को नवाजते थे। देश की जनता ने यह सब करीब से देखा है और देख रही है। इसलिए इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की भी परवाह नहीं है। ये अपने कार्यकर्ताओं से उम्मीद करते हैं कि जीवन भर जिसका विरोध किया उसका अचानक सत्कार करने लगे। अब ऐसे में इन दलों का कार्यकर्ता खुद भ्रमित है कि करे तो क्या करे। मैं तो आज ये भी कहूंगा कि जो लोग आज मोदी को कोसने के लिए इतना समय लगा रहे हैं, अच्छा होता वो देश के लिए सोचने में, गरीब के लिए सोचने में अपना समय लगाते। हम उनके लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। साथियों, 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है। देश का मन आप जानते हैं, लेकिन विदेश का मन भी बहुत कुछ संकेत दे रहा है। आमतौर पर जब भी किसी देश में चुनाव का समय निकट आता है तो उसका बहुत बड़ा असर उसके वैश्विक संबंधों पर भी होता है। हर एक को लगता है कि भाई अब तो चुनाव का वर्ष है, अभी इस सरकार के साथ अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार आएगी तब सोचेंगे। स्वाभाविक है, कोई भी दूसरा देश उस सरकार के साथ जो चुनाव बिल्कुल निकट हो वहां संबंध बनाने से पहले, संवाद करने से पहले 100 बार सोचता है। फॉरेन कंट्रीज हमेशा चुनाव के नतीजों का इंतजार करते हैं। लास्ट ईयर जब होता है तो सोचते हैं कि भाई एक बार चुनाव नतीजा आ जाना तो फिर देखेंगे। जो सरकार जाने वाली होती है उस पर कोई भी देश अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन इस समय भारत का मामला कुछ अलग है। सबको पता है कि हमारे यहां कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, फिर भी अनेकों महत्वपूर्ण देश, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूएई हो, यूके हो, सब एनडीए सरकार के प्रतिनिधियों को इनवाइट कर रहे हैं। तमाम देश भारत को मान और सम्मान दे रहे हैं। कितने ही देश भारत के साथ बड़े बड़े
और वो भी दूरगामी समझौते कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत के लोगों का भरोसा एनडीए पर है, यानी भारत में जनमत किसके साथ है ये दुनिया के देशों को भी पता है। साथियों, एनडीए का विस्तार सिर्फ संख्या या भौगोलिक विस्तार का नहीं है। ये भारत एनडीए का जो विस्तार है, ये हमारे प्रति विश्वास का दायरा भी बढ़ा रहा है। जनता एनडीए की हिस्ट्री और केमिस्ट्री दोनों को देख रही है, तभी तो हमारा गणित भी बड़ी आसानी से जुड़ता है। आप देखिए, 2014 में एनडीए को देश ने लगभग 38% वोट दिए थे 2014 में, लेकिन 2019 में हमारे देश सेवा भाव को देखते हुए देश ने हमें 45% वोट दिए। और आपको जानकर के खुशी होगी, इनमें 225 से अधिक सीटें ऐसी थी जो हम जीत करके आए, 225 से अधिक सीटें जहां 50% से अधिक वोट शेयर एनडीए को मिला है। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है, उसे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, मैं विश्वास से कहता हूं। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, देश की जनता को आपके सबके नेतृत्व पर भरोसा है। पूरे देश में हमारे अनेक साथी एक बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। हम हर भूभाग, हर वर्ग, हर समाज को विकसित भारत के मिशन से जोड़ेंगे। साथियों, हमें विकास के मुद्दे पर ही जनता के पास जाना है। हमारा एक ही लक्ष्य है, विकास, भारत का विकास। भारत के कोटि कोटि लोगों की आशा आकांक्षा ही हमारा एजेंडा है। हम पूरी शक्ति लगा देंगे, हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, और यही हमारी गारंटी है। और लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। आज देश में एक माहौल बन चुका है, देश का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास आज अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। जैसे कोई इमारत बनाने से पहले नींव का निर्माण होता है, वैसे ही पिछले 9 वर्षों में नए भारत की एक मजबूत नींव का निर्माण हो चुका है। इस मजबूत नींव पर हम सभी को नए भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का निर्माण करके ही रहना है। और आपने मुझ पर इतना विश्वास रखा है, इतना प्रेम बरसाया है, इतना स्नेह किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपके माध्यम से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने परिश्रम में, अपने प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन बदनीयत से मैं दूर रहूंगा, बदनीयत से कोई काम नहीं करूंगा। और साथियों, मेरा जीवन आप देखते हैं, देश देख रहा है, मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण
देश को ही समर्पित है। आपका ये विश्वास, आपके ये आशीर्वाद, ये मेरी ऊर्जा है। और साथियों, आप सब कह रहे थे कि 2014 में देश की इकोनॉमी 10वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर पहुंची है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एनडीए के तीसरे टर्म में इस देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होके रहेगी। हर सपने संकल्प है और हर संकल्प सिद्धि के लिए हम जी जान से जुटे हुए लोग हैं, समर्पित भाव से जुटे हुए लोग हैं। और आज जिस उमंग और उत्साह से आपको एक एक की बात जो मैंने सुनी, मेरे लिए भी बड़े प्रेरक थी, उत्साहवर्धक थी। आपका विश्वास, विजय का विश्वास, जन सामान्य की सोच को बखूबी व्यक्त करने का आपका तरीका वाकई प्रभावित करने वाला था। मैं मानता हूं कि 25 साल की यात्रा की आज की ये महत्वपूर्ण बैठक, 25 साल बाद देश जब 100 साल की आजादी मनाएगा, हमारे सामने भी 25 साल का नक्शा है। दोस्तों, देश जब अमृत महोत्सव मना रहा है तो हमें सेवा करने का मौका मिला है। और आप लिख के रखिए, यही लोग हैं, यही लोग हैं। जब देश 100 साल की आजादी का पर्व मनाएगा, आप ही के परिश्रम से, आप ही के पुरुषार्थ से, आप ही के नेतृत्व से ये संभव होने वाला है, ये मैं साफ देख रहा हूं। दोस्तों, इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सभी का इस बैठक में आने के लिए, एनडीए को सशक्त करने के लिए मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जो सुझाव आए हैं, उन सुझाव को नड्डा जी और उनकी टीम जरूर उसको पूरा करेगी। साथियों, पिछले 9 साल में मेरी व्यस्तता के कारण शायद कभी आप में से किसी ने संपर्क करने का प्रयास किया हो और मैं न कर पाया हूं। हो सकता है इस 9 साल में मेरे प्रवास के दरमियान शायद एसपीजी सिक्योरिटी का कारण आपको उचित स्थान न मिला हो, हो सकता है किसी इनविटेशन कार्ड में आपका नाम रह गया हो। 9 साल में ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपने कभी भी शिकायत नहीं की, आपने कभी भी मन में बुरा नहीं माना। गलतियां हुई होगी, कभी कभी तो मेरे ध्यान में भी आई है कि कार्यक्रम के बाद पता चलता, अरे वो तो वहां खड़े थे, उनको ध्यान होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी आपका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। साथियों, ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी ताकत है, मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। और आप ही के भरोसे, आप ही के साथ चलने का मुझे एक बहुत अनुभव भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने में एक टीम बन करके, एकता के साथ, एकजुटता के साथ, आत्मविश्वास के साथ, संकल्प के साथ चल पड़ेंगे, विजयी होके रहेंगे, जनता के आशीर्वाद पूर्व बाहर मिलते रहेंगे। अपने कर्तृत्व के कारण, समर्पण के कारण, ध्येय निष्ठा के कारण, जनता के प्रति हमारे लगाव के कारण ये सब संभव होने वाला है। जनता जनार्दन है, जनार्दन में मेरा विश्वास है, उस विश्वास से परिणाम निश्चित है। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एनडीए की बैठक खत्म। एनडीए की बैठक के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
बैठक को संबोधित किया और कई बड़ी बातें एनडीए के घटक दलों के सामने उन्होंने रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गलती हो सकती है लेकिन बदनीयति के साथ काम नहीं करूंगा, मेरे शरीर का हर क्षण, मेरे समय का हर क्षण देश को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने 38 पार्टियों के सामने यही बात रखी कि हम मिलकर यूनाइटेड होकर आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर देश के लिए जीत हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस बार यानी कि 2024 के चुनाव में 50% से ज्यादा सीटों पर एनडीए की जीत होगी, हम मिलकर आगे बढ़ें तो ऐसा ही होगा। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन पर भी हमला बोला और सारा का सारा फोकस एनडीए की तारीफ करने पर रहा। 25 साल एनडीए को पूरे हो रहे हैं, इसका भी उन्होंने जिक्र किया कि एनडीए इस गठबंधन को 25 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और अब एनडीए का आकार पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और साथ ही एनडीए के 25 साल को देश के आने वाले 25 सालों से भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम ऐसे वक्त में हो रहा है जब 25 साल के बाद देश आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा। और इस तरह से सभी घटक दलों से प्रधानमंत्री ने यही अपील की कि मिलकर एक रणनीति के तहत काम करें तो विपक्ष पर एक बार फिर से एनडीए गठबंधन भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीते 9 सालों में उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ देश के लिए काम किया है और सभी घटक दलों से सहयोग की उम्मीद जताई। हमें विकास के मुद्दे पर ही जनता के पास जाना है, हमारा एक ही लक्ष्य है, विकास, भारत का विकास, भारत के कोटि कोटि लोगों की आशा आकांक्षा ही हमारा एजेंडा है। हम पूरी शक्ति लगा देंगे, हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और यही हमारी गारंटी है। और लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। आज देश में एक माहौल बन चुका है, देश का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास आज अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। जैसे कोई इमारत बनाने से पहले नींव का निर्माण होता है, वैसे ही पिछले 9 वर्षों में नए भारत की एक मजबूत नींव का निर्माण हो चुका है।